नांदेड़ में बिना मास्क घूमने वालों पर बल्दिया उज्मा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले ही दिन बल्दिया उज्मा ने 257 अफराद पर कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। बल्दिया उज्मा के सभी जोनों के हुदूद में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए बल्दिया उज्मा की जानिब से इस मुहिम को शुरू किया गया है। दिवाली के बाद से ही कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। बाजारों में लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, जबकि दुकानदारों की जानिब से भी एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से बल्दिया उज्मा ने ऐसे अफराद पर कार्रवाई करने की मुहिम शुरू की है। डिप्टी कमिश्नर अजीत पाल सिंह संधू की निगरानी में शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर कार्रवाई की गई। कई पैदल राहरू भी मुहिम की जद में आए, जबकि टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियों में सवार अफराद पर भी कार्रवाई की गई और इनसे जुर्माना वसूल किया गया। पिछले कुछ दिनों से नांदेड़ शहर में जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसके माध्यम से ये कार्रवाई, आज मास्क, जो मास्क नहीं पहनते हैं उनके लिए ये कार्रवाई महानगर पालिका की तरफ से शुरू की गई है। माननीय आयुक्त, माननीय जिलाधिकारी, इनके आदेश से ये कार्रवाई आज शुरू की गई। ये कार्रवाई हम आज रजिस्ट्री ऑफिस से ये कार्रवाई हमने शुरू की है। रजिस्ट्री ऑफिस में लोगों का बहुत आना जाना होता है और वहाँ बहुत गर्दी होती है, इसके लिए हमने आज वहाँ से कार्रवाई शुरू की है और वहाँ भी निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए और मास्क कंपलसरी है। तो लोगों से यही अपील है नांदेड़ शहर के कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जहाँ गर्दी है वहाँ जाना टाले।